बिहार में जेडीयू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया है। नीतीश कुमार तो यहाँ तक कहते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने हमेशा अपमान किया है, बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की है। वो उसी बीजेपी के बारे में ये बातें कह रहे हैं जिसके साथ अभी तक सत्ता में थे, और उनके ये कहने के पीछे काफी वजह है। महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान हुआ उसका असर बिहार पर दिखता साफ दिखाई दे रहा है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बात सिर्फ सत्ता की नहीं है, बात जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व की है, बात बिहार की राजनीति की है, बात नीतीश कुमार की राजनीति की है। किसी भी वक्त इस बात का औपचारिक ऐलान हो सकता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में गठबंधन टूट चुका है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। कहा जा रहा है कि नीतीश आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर भाजपा का सत्ता से बाहर होना तय हो गया है। ये सप्ताह हुआ है जब 10 दिन पहले यानी 31 जुलाई को, उस दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। यहाँ उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। सवाल उठ रहा है कि क्या नड्डा के बयान ने ही भाजपा जेडीयू गठबंधन में आखिरी कील ठोकी? हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की या होने की बात कहना जेपी नड्डा का एक ऐसा बयान है जिससे उनके कई सहयोगी भी नाराज हो सकते हैं। वो भले ही राज ठाकरे क्यों ना हो, और नीतीश कुमार तो नाराज दिखाई भी पड़ रहे हैं कि क्षेत्रीय दल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी बचेगी। दरअसल एग्जैक्टली जेपी नड्डा ने क्या कहा था वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था, भाजपा एक विचारधारा से प्रेरित पार्टी है, हम एक विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं, हम एक कैडर आधारित पार्टी हैं और कार्यालयों की एक बड़ी भूमिका है। भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए एक बिजली घर है, एक ऐसी जगह है जहां से करोड़ों कार्यकर्ता पैदा होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि देखो, अगर ये विचारधारा नहीं होती तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। सब लोग, अन्य राजनीतिक दल मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सब दल मिट गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे, रहेगी तो केवल भाजपा रहेगी। भाजपा के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी बची ही नहीं। हमारी असली लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से। यूं तो नीतीश कुमार और भाजपा के बीच अनबन 2020 में सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। भाजपा नेताओं की बयानबाजी से नीतीश कुमार असहज महसूस करते थे। इसके बाद नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि भाजपा अब उनकी ही पार्टी को खत्म करने पर तुली बैठी है। पिछले एक साल के अंदर नीतीश कुमार को कई बार लगा कि भाजपा अब उनकी पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आरसीपी सिंह, एकनाथ शिंदे हो सकते थे बिहार के, कहा भी जा रहा है, अंदर खाने बातें चल रही हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर भी आ रही है कि आरसीपी सिंह एक ऐसी में लगे थे कि वो जेडीयू में वही स्थिति ले आए जो शिवसेना की स्थिति महाराष्ट्र में हुई है। जेडीयू के विधायकों, सांसदों और नेताओं को तोड़कर भाजपा अकेले के दम पर सरकार बनाने के प्रयास कर सकती थी, ऐसी आशंका नीतीश कुमार को है। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी की निगरानी शुरू कर दी। ये देखने लगे कि उनकी पार्टी के किस किस नेताओं के साथ में रिश्ते भाजपा से मजबूत हो रहे हैं। ऐसे लोगों की नीतीश ने चुन चुनकर उनको आइडेंटिफाई किया और निकालने की कवायद शुरू कर दी। सबसे पहले निशाने पर आए जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक, पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, विपिन कुमार यादव, भंग समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज। इसके बाद नंबर आया आरसीपी सिंह का, क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री थे। जैसे ही आरसीपी की राज्यसभा सदस्यता खत्म हुई, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उन पर कार्यवाही शुरू कर दी, पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने खुद इस्तीफा दे दिया। इन सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान ने नीतीश कुमार की आशंका को और मजबूत कर दिया। इसके बाद वो एनडीए का साथ छोड़कर नया गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुट गए। ये समझने के लिए हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी बातचीत की। उनका कहना है कि मौजूदा समय में देश के 19 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 59% आबादी रहती है। वहीं कांग्रेस की सरकार अब 4 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। इन 4 राज्यों में देश की करीब 16% आबादी, और इनमें गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सत्ता अभी भी दिखाई देती है, और आगामी चुनाव में बीजेपी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर मजबूत भी दिखाई पड़ती है।
आगे वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त करीब 30% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। वहीं 14 राज्यों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 27% से ज़्यादा आबादी रहती है। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के आज से पीक पर था। भाजपा का ग्राफ देखकर यह कहा जा सकता है कि अभी भाजपा काफी मजबूती से आगे बढ़ेगी। ये सवाल हमने वरिष्ठ पत्रकारों से पूछा, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछा। उन लोगों का कहना है यही सही है कि भाजपा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के खत्म होने की बात थोड़ी अटपटी है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। ये सही है कि अभी जिन जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनमें से ज्यादातर पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में भाजपा इन राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई है, हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भाजपा के पास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उन्हीं के चेहरे की बदौलत भाजपा सभी जगह लड़ाई लड़ते आई है। अब भाजपा के सामने क्षेत्रीय दलों से लड़ने के लिए क्षेत्रीय नेता तैयार करने की चुनौती है। भाजपा अगर वाकई में क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है तो इसके लिए ये जरूरी होगा। अब धीरे धीरे NDA का साथ सभी छोटी पार्टियां छोड़ रही हैं, उनको अपने अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा एक ना एक दिन उनकी पार्टी को ही खत्म कर देगी, इसलिए वो तमाम वैचारिक मतभेद होने के बावजूद विपक्ष के अन्य दलों के साथ जा रहे हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़ नहीं पनप पाते हैं, कहावत है और प्रकृति का नियम भी है। भाजपा वही बरगद दिखाई देती है, वही बड़ा पेड़ दिखाई देती है। भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों को साथ में जोड़ा तो सही है, लेकिन शिवसेना का जो हश्र हुआ है उससे कई क्षेत्रीय दल डरे हुए हैं। और JP नड्डा के इस बयान को खुलकर इस तरीके से लिया जा रहा है कि ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। JP नड्डा खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ विचारधारा के आधार पर BJP ही एकमात्र पार्टी रह जाएगी, बाकी सारे दल खत्म हो जाएंगे। तो इन सारे दलों में क्या BJP के सहयोगी दल भी आते हैं? और निश्चित तौर पर ये BJP के सहयोगी छोटे छोटे दलों की आशंका को भी बढ़ाने वाला है। इनमें से एक नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार अब जा रहे हैं BJP से एक बार फिर दूर, और वो कह रहे हैं BJP ने हमेशा अपमान किया है, उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की है। उनके ये आरोप गंभीर हैं, लिहाजा इसे माना जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष को एक नया चेहरा, एक नई ताकत मिलती दिखाई देगी नीतीश कुमार के तौर पर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।